यही तो मूलभूत सवाल है भाई साहब। महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 साल मनाए जा रहे हैं, घर घर तिरंगा लगाना है आपको, 20 करोड़ हम तिरंगे बांटने वाले हैं, खादी ग्राम उद्योग को ऑर्डर नहीं दिया गया, इधर एक पॉलिस्टर की कंपनी खोल करके गुजरात के अंदर में फ्लैग कोड को चेंज करके पॉलिस्टर के झंडे बनवाए गए हैं और वो बंटवाए जा रहे हैं, सरकारी अधिकारियों से पैसे लिए जा रहे हैं, स्कूल के बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं, घर ही नहीं है लोगों के पास में कई, इसके बारे की सरकार ने ध्यान दिया 75 सालों में? रोजगार ही नहीं है युवा के पास में, इसके बारे सरकार का क्या ध्यान है? लोग गरीबी से, महंगाई से, सिलेंडर के प्राइस से कैसे जूझ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस से कैसे जूझ रहे हैं, उसमें दही, घी, आटा, पेन, पेंसिल, इसके ऊपर GST लगा रही है सरकार। सरकार इतनी लालची हो गई है पैसे के लिए कि लोगों की मूलभूत सुविधाओं के ऊपर में उसकी नज़र आ गई है। 75 साल का महोत्सव तब मनाना था जब आपने इन सब चीज़ों को, हर एक इंसान को घर दिया होता, युवा को रोजगार दिया होता, सबको समृद्धि दी होती, तो ये सही हकदार होते। ये तो इसके 75 साल के हकदार नहीं है, हकदार तो जो लोग शहीद हुए हैं ना, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। इन्होंने तो लड़े ही नहीं, ये तो बोलते थे लोगों को उस वक्त कि अंग्रेज से लड़ के क्या फ़ायदा है, अंग्रेजों से लड़ने का कोई मतलब नहीं है, अपन अपना अपना देखो, अंग्रेज वालों को हम नहीं लड़ सकते। मात्र 10,000 अंग्रेज थे इस देश के अंदर में और इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तिलक जी को गणपति बिठानी पड़ी लोगों को एकत्रित करने के लिए, ताकि वो देश के ऊपर में चर्चा कर सके, कहीं संग्रहित हो सके। साथ में खड़े रहने को डरते थे, इतना दहशत था अंग्रेजों का इनका, और ये बोलते थे अंग्रेजों से क्या लड़ना है, इनकी कोई कुर्बानी है क्या? ये जो 75 साल हम मना रहे हैं, ये हम उन शहीदों के लिए वजह से मना रहे हैं जिन लोगों ने अपनी देश की लिए अपनी जान की आहुति दी। बहुत सारे यंग लोग, 16 साल के, 23 साल के, 22 साल के महिलाओं ने अपनी जान दी है इस देश के लिए, उनकी वजह से हम ये 75 साल मना रहे हैं, ना कि इनके राज की वजह से।